देखिए, आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस की टीम ने एक फर्जी वीजा बनाने वाली फैक्ट्री जो तिलक नगर में ऑपरेट कर रही थी उसको बस्ट करा है। देखिए, आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस की टीम ने एक फर्जी वीजा बनाने वाली फैक्ट्री जो तिलक नगर में ऑपरेट कर रही थी उसको बस्ट करा है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फ्रॉडुलेंट वीजा स्कैम के जो कंप्लीट सिंडिकेट है उसको डिसमेंटल करते हुए 6 लोगों की अरेस्ट करी है। इसमें एक पैसेंजर भी शामिल है और 6 फ्रॉडुलेंट एजेंट शामिल है। हमें 2 सितंबर को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से कंप्लेंट मिली थी कि एक पैसेंजर डिपार्चर इमिग्रेशन काउंटर पर रिपोर्ट करा है अपने डिपार्चर क्लियरेंस के लिए। वो इटली के लिए जा रहा था पर उसके पासपोर्ट के ऊपर एक नकली स्वीडन का वीज़ा एफिक्स था। तो जब ये कंप्लेंट हमको मिली तो हमने BNS के जो रेलिवेंट चीटिंग और फोर्जरी के सेक्शंस हैं उसके अंदर FIR दर्ज करी और इन्वेस्टिगेशन को टेकअप किया, और हमें इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है और एक ऑर्गेनाइज क्राइम है जो कंप्लीट एक गैंग ऑपरेट करता है और इसमें काफ़ी लोग शामिल हैं। अब तक जो हमें इन्फॉर्मेशन है कि पिछले 5 साल से ये फैक्ट्री तिलक नगर में ऑपरेट कर रही थी, और जैसा कि इंटरोगेशन के दौरान पता पड़ा कि महीने में इनको 30 से 50 वीज़ा नकली वीज़ा ये बना लेते हैं। कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? इसमें पहले एक एजेंट को पकड़ा, उसने फिर दूसरे के बारे में बताया, दूसरे से तीसरे, और फाइनली हम लोग एक फैक्ट्री की तरफ पहुंचे जो तिलक नगर के एरिया में थी। काफ़ी भारी मात्रा में रिकवरी हुई है जिसमें हमें अब तक 30 तो कम से कम वीज़ा, नकली वीज़ा मिले हैं जो मोस्टली शेंजन कंट्रीज़ के हैं। साथ में हमें काफ़ी रबर स्टैम्प्स जो और डिफरेंट स्टैम्प्स जो कंट्रीज़ की होती हैं, लगभग 23 स्टैम्प्स मिली हैं, 16 नेपाली पासपोर्ट मिले हैं, 2 इंडियन पासपोर्ट्स हैं, 3-4 परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड्स हैं, और जो इक्विपमेंट यूज़ होता है जैसे वाटरमार्क मशीन्स हैं, लेमिनेटिंग शीट्स हैं, डाइंग मशीन्स हैं, प्रिंटर्स हैं, कलर प्रिंटर्स हैं, लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, इस तरह की चीज़ें काफ़ी भारी मात्रा में बरामद हुई हैं।